जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आप लोग के लिए आज फिर से इंटीग्रेशन का एक ट्रिक वाला वीडियो लेकर आए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया है और हर साल इससे आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। और एक दो नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन आपको हर साल पूछा जाता है और आप जब ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे तो एक बार घबराहट जरूर होगी ऐसे क्वेश्चन को देखकर, ठीक है। और यदि आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है, यदि आपको इसका ट्रिक पता नहीं है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को या तो गलत कर देंगे या फिर छोड़ के आ जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, तो आज जो आपको ट्रिक बताने वाले हैं, इसके माध्यम से आप ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकदम कम से कम समय में और एकदम सटीक तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो आइए शुरू करते हैं आज के कॉन्सेप्ट को। और आज का कॉन्सेप्ट देखने से पहले हम आपको एक बार सवाल से मुलाकात कराना चाहेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन आपका है कि -1 से 1 x के पावर 3 इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, -π/2 से π/2 साइन के पावर 5x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, -π/4 से 4 साइन x इंटू कॉस के पावर 8x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसके बाद -1 से 1 x के पावर 3 साइन के पावर 5 और tan के पावर 11 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, फिर -a से a 10 इंटू एक्स के पावर 11 इंटू कॉस के पावर 6 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, -2 से 2 20 x के पावर 6 साइन के पावर 7x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब देखिए, कुछ मेरे जानकार बहुत जानने वाले जो गणितज्ञ हैं, मैंने एक वीडियो हमें भेजा एक विद्यार्थी ने, और वो उसमें जो है ना एक कॉन्सेप्ट दे रहे थे इस क्वेश्चन को लेकर, जो एकदम वाहियात, मतलब एक वाहियात कॉन्सेप्ट होता है, ठीक ना, वो बताया जा रहा था उसमें, मतलब आपके भविष्य को सीधे गर्त में डाला जा रहा था। देखिए, वो वीडियो का क्लिप मेरे पास है, बच्चों ने भेजा है, कहा कि सर ये कॉन्सेप्ट ऐसा हो सकता है क्या, हम आपको एक बार बताने का प्रयास करते हैं। और ऐसे कॉन्सेप्ट को लेकर आप अपने बोर्ड एग्जाम में जब जाएंगे तो उसका परिणाम क्या होगा आपको पता है, बोरा में जाने का, ठीक है ना, आप सीधे बोरा में जाएंगे। अब देखिए, पहले आपको हम कॉन्सेप्ट बताते हैं। बताया जा रहा था कि जैसे इन्ना रहेगा, अहियाँ माइनस वाला रहेगा, अहियाँ प्लस वाला रहेगा, तो कुछो ना देखिएगा, इसका आंसर 0 लिख दीजिएगा, उसको कान पकड़ के ऐंठ के 4 बेर, दूध तबड़ा किधर से, दूध तबड़ा किधर से देने लायक, समझ में आ रहा है। हाँ, ऐसे ये कॉन्सेप्ट जो है ना इतना आसान नहीं है कि माइनस इन्ने रहेगा और प्लस इन्ने रहेगा तो देख लीजिएगा तो 0 लिख दीजिएगा, अंदर में फंक्शन कौन बताएगा, है फंक्शन की जानकारी कौन देगा, जिसके वजह से उसका इंटीग्रेशन 0 के बराबर हो रहा है। अच्छा, यदि ऐसा है, हम यहां लिख दिए एकदम सिंपल, हम यहां लिख देते हैं, मान लीजिए एक्स स्क्वायर, और तब जाकर कह रहे कि बाबू इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो कितना होगा, आपको हम बता देते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिएगा, अब यदि कॉन्सेप्ट है तो इसका भी मान 0 के बराबर हो जाना चाहिए ना, जब फंक्शन का कोई वैल्यू ही नहीं है तो इसका भी इंटीग्रेशन 0 के बराबर होना चाहिए। देखिए तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो रहा है, ये हो जाएगा आपका एक्स के पावर 3/3, ठीक है ना। हाँ, और इसमें मान रखना है -1 से 1 तक, ठीक है। चले ध्यान से देखिएगा, यह हो जाएगा पहले 1 रखेंगे तो 1 के पावर 3/3 माइनस, ठीक है, अब -1 रखेंगे तो -1 के पावर 3/3, गौर करेंगे इधर, 1 के पावर 3 1/3 माइनस, ज्यों कहते हो -1 के पावर 3 है तो उसका मान माइनस में हो जाएगा तो -1/3, माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा तो 1/3 + 1/3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3। अब बताओ कि इसका आंसर 0 के बराबर कहाँ हुआ, कहाँ आया इसका आंसर 0 के बराबर, इसका आंसर 2/3 के बराबर आ गया। अब उससे पूछो, ये वीडियो का क्लिप काट के भेजिए उनको, ठीक ना, और उनको पूछिए कि ये 2/3 हो गया, अब 0 कहाँ गया, कैसे होगा बताइए, ठीक है ना। अब बताते हैं आपको कि इसका सही कॉन्सेप्ट क्या है और किस कॉन्सेप्ट के आधार पर आप इस क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं जो कि 100% सही होगा। आइए थोड़ा सा हम आपको पीछे ले चलते हैं, फीडबैक इसका समझाते हैं। देखिएगा, ये बात सही है कि यदि सीमा का मान माइनस ए से ए हो, मतलब जितना फंक्शन नीचे हो माइनस में उतना ही फंक्शन ऊपर में हो माइनस, सॉरी उतना ही सीमा का मान ऊपर में हो, जितना सीमा का मान नीचे हो माइनस में उतना ही सीमा का मान ऊपर में हो प्लस में, और अंदर में जो फंक्शन आपको दिख रहा है वो हमेशा ऑड फंक्शन होना चाहिए। वो हमेशा कौन सा फंक्शन होना चाहिए भाई, वो हमेशा ऑड फंक्शन होना चाहिए।
अब आपको ऑड फंक्शन का मतलब हम थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहां मुरकट्टी बात नहीं चलेगा। ऑड फंक्शन का मतलब हम आपको थोड़ा समझा देंगे ताकि आप पहचान सके कि कौन सा ऑड फंक्शन है और कौन सा इवन फंक्शन है और किसका इंटीग्रेशन जीरो होने वाला है, ठीक है ना। अब ये ऑड फंक्शन पहचानने का हम पहले आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक के माध्यम से आप सभी ऑड फंक्शन को आसानी से पहचान जाइएगा। वो कौन कौन होगा, तो यहां देखिए बहुपदीय फलन के पावर में ऑड संख्या, ठीक है ना। बहुपदीय फलन के पावर में जो है ना, यदि उसके पावर में ऑड नंबर रहे, बहुपदीय फलन के पावर में यदि ऑड नंबर रहे, जैसे कोई भी बहुपदीय फलन हो और उसके पावर में यदि ऑड नंबर आ जाए तो वो विषम फलन हो जाएगा। जैसे x के पावर 1 आ जाए, x के पावर 3 आ जाए, x के पावर 5 आ जाए, x के पावर 7 हो, x के पावर 9 हो, और भी ऐसे, ठीक है ना। तो बहुपदीय फलन के पावर में यदि ऑड नंबर आ जाएगा, ठीक है, तो वो आपका ऑड फंक्शन होगा। एक तो ये, दूसरा यदि अब इसके जगह पर कोई त्रिकोणमितीय फलन आ जाए, जैसे मान लीजिए यहां पर त्रिकोणमितीय फलन आपको दिख रहा है, यहां त्रिकोणमितीय फलन दिख रहा है, तो आपको एक बात और ध्यान से समझा दें कि यदि साइन टैन और कॉसेक, ठीक है, ये तीन इसके पावर में यदि ऑड नंबर आ जाए, इसके पावर में यदि ऑड नंबर आ जाए तो ये भी ऑड फंक्शन होगा, इसके पावर में यदि ऑड नंबर आ जाए तो ये भी ऑड फंक्शन होगा। बात समझ रहे हैं, इसके पावर में यदि ऑड नंबर आ जाए तो यह भी आपका क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। मुख्यतः सवाल आपको जो है ना इसी पैटर्न पर पूछा जाता है, लेकिन हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि यदि मान लीजिए कि इसको छोड़कर कोई दूसरा फंक्शन आ गया तो हम उसको कैसे पहचानेंगे। एकदम सिंपल काम आपको क्या करना है, सुन लीजिएगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो फंक्शन दिख रहा है ना fx बराबर क्या है, तो एक्स के पावर 3, आपको इसमें एक्स के जगह पर केवल माइनस एक्स रख देना है। जहां x दिख रहा है ना वहां माइनस एक्स रख देना है, तो यह हो जाएगा माइनस एक्स के पावर में 3। अब देखिए माइनस के पावर में विषम संख्या है तो इसका मान हो जाएगा माइनस एक्स के पावर 3 के बराबर, ठीक है ना। देखिए और एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माने थे ना, तो माइनस को बाहर रखेंगे, एक्स क्यू के जगह पर हम रख देंगे एफ एक्स। अब देख लीजिए क्योंकि एक्स क्यू बराबर एफ एक्स है, अब हम क्या करेंगे कि देखिए यहां पर जब एक्स के जगह हमने माइनस एक्स रखा तो उसका मान माइनस में निकला। सुनिए, यदि किसी फंक्शन में आप x के जगह पर माइनस एक्स रखते हैं और उसका मान माइनस में निकल के आता है तो समझ लीजिए कि वो ऑड फंक्शन है। जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा x के जगह, यहां भी प्लस वाला था, हमने x के जगह पर माइनस एक्स रखा और मान जो है माइनस में निकल के आ गया, इसका मतलब ये ऑड फंक्शन है। यदि आपने x के जगह पर माइनस रखा और मान प्लस में निकल गया तो समझ लीजिए कि वो ऑड फंक्शन नहीं है, तो इसका इंटीग्रेशन दूसरा होने वाला है, जैसा कि अभी आपको दिखाए थे वो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। समझ में आया ऑड फंक्शन के बारे में। आप या तो डायरेक्ट ऐसे पहचान सकते हैं विषम फलन को, और नहीं तो आप इस तरीके से विषम फलन को पहचान सकते हैं एक्स के जगह पर माइनस एक्स रखकर, ठीक है। और यदि आपको पता चल गया कि विषम फलन है और उसके साथ में जो आपका सीमा का मान है माइनस ए से ए हो, मतलब जितना माइनस में हो उतना ही ऊपर प्लस में हो, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा जीरो के बराबर होता है, ठीक है ना। ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा कितना होता है, जीरो के बराबर। चलिए देखिए, तो यहां देखेंगे कि सीमा का मान माइनस ए से ए है और अंदर में जो आपको फंक्शन दिख रहा है ये अंदर वाला फंक्शन के पावर में ऑड फंक्शन ऑड नंबर है। देखिए बहुपदीय फलन के पावर में ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है, तो ये आपका जो है ना कौन सा फलन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया, ठीक है ना। ये आपका कौन सा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन, और आपको पता है कि ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन जीरो होगा। अब यहां देखेंगे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, यहां पर आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसके पावर में ऑड नंबर है, इसलिए इसका भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। यहां देखेंगे माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर, यहां इसके पावर में देखिए एक है, हाँ, तो ये आपका ऑड फंक्शन है और उसके गुना में यदि देखा जाए तो फिर ये ऑड फंक्शन नहीं है। हाँ, तो यदि ऑड फंक्शन के गुना में कोई इवन फंक्शन भी आ जाए तो वह भी ऑड फंक्शन ही हो जाता है। ये ऑड फंक्शन है और उसके साथ गुना में इवन फंक्शन है, देखिए यहां पर इवन फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन के गुना में आया है, इसलिए यह भी आपका ऑड फंक्शन होगा और इसका भी इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आपका जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को देखेंगे, देखिएगा ये देखिए ये ऑड फंक्शन है, यदि हम अलग अलग सोचेंगे तो ये ऑड फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन जीरो, प्लस ये भी ऑड फंक्शन है इसका भी इंटीग्रेशन जीरो, ये भी ऑड फंक्शन है इसका भी इंटीग्रेशन जीरो, इसलिए सबके सबको यदि जोड़ेंगे तो जीरो के बराबर होगा, नहीं होगा, सबके सबको यदि ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर।
इधर देखिएगा माइनस ए से ए और यहाँ एक्स के पावर में 11 है, इसका मतलब ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन के गुना में इवन फंक्शन आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि ये ऑड फंक्शन है गुना में कुछ भी आ जाए वो ऑड ही होगा, इसलिए इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका, जीरो के बराबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर, यहाँ देखिए ये आपका कौन सा फंक्शन है, माइनस टू से टू और यहाँ एक्स के पावर 6, ये इवन फंक्शन है, ठीक है ना, ये इवन फंक्शन है। और यहां देखेंगे तो ये ऑड फंक्शन है क्योंकि साइन के पावर में विषम संख्या है, तो ये ऑड फंक्शन है, इसलिए इसका भी इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका, जीरो के बराबर। उम्मीद है कि आपको इस तरीके का सवाल जब भी आपके बोर्ड एग्जाम में अब आपसे पूछा जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन में आप निश्चित रूप से गलती ना करेंगे, और वो जो कॉन्सेप्ट बताया गया है उसको आज ही आप भूल जाइएगा, ठीक ना, अपने माइंड से डिलीट कर दीजिएगा कि जब भी ऐसा देखेंगे जीरो मारेंगे, नहीं, आपको एक बार चेक करने की जरूरत है। यदि ऑड फंक्शन पकड़ा गया तभी जीरो मारेंगे, अन्यथा जीरो नहीं मारेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।